नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से जुड़ी कुछ विशेष और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो लवली फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं, जैसे कि आपने इस वीडियो के थंबनेल पर देखा कि कई लोगों की जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये दोनों ही रेखाएं कई लोगों की जुड़ी हुई होती हैं, एक साथ चलती हैं, समांतर होती हैं और ज्यादातर लोगों की ऐसी रेखाएं देखी जाती हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथ में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये दोनों अलग होके चलती है, जबकि ज्यादातर लोगों के हाथ में ऐसी रेखा नहीं पाई जाती। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथ में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से अलग होके के स्टार्ट होती है। तो इन दोनों रेखाओं का क्या कारण हो सकता है कि किसी के हाथ में ये जुड़कर चल रही है तो किसी के हाथ में दोनों रेखाएं अलग अलग होकर के अपने डेस्टिनी तक, गंतव्य स्थान तक पहुंच रही है। इसका विशेष क्या कारण हो सकता है और इन दोनों रेखाओं के अलग होने पर, इन दोनों रेखाओं के एक साथ चलने पर दोनों ही तरीके से व्यक्तियों को किस किस तरीके के फल जीवन में देखने को मिलते हैं, इन सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। और लेट्स गो स्टार्ट द पॉइंट। तो लवली फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के अलग अलग चलने पर या फिर दोनों के एक साथ अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने के क्या क्या कारण इन दोनों के हो सकते हैं। यहां पर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा एक साथ चले तब यहां पर बिल्कुल डिफरेंस फल जीवन में देखने को मिलते हैं, जीवन में अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। वहीं जब ये दोनों रेखाएं जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा एक दूसरे से अलग होकर के अपनी डेस्टिनी तक जाते हैं और शुरू से प्रारंभ होती हैं रेखाएं, तो इसका भी एक तरह से एक अलग ही विलग ही फल देखा जाता है, प्रभाव देखे जाते हैं। तो इन्हीं पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उन रेखा वालों की जिनके की रेखाएं मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा एक साथ ही स्टार्ट होती है और एक साथ स्टार्ट होकर के अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए। दोनों रेखाएं आपस में मिलती हुई स्टार्टिंग से चलती हैं और बाद में जीवन रेखा अलग हो जाती है और मस्तिष्क रेखा अपने अलग होकर के चंद्र पर्वत की ओर बढ़ती है। तो ऐसी रेखा वाले जिनके दोनों रेखाएं जुड़ी हैं, ऐसी रेखा वाले जो व्यक्ति होते हैं वो समांतर सामान्य लोगों की तरह ही व्यवहार करने वाले और समान एक अच्छा व्यवहार करने वाले, संसार जगत में जितने भी संस्कार और जो भी प्रतिक्रियाएं मस्तिष्क के द्वारा हमारे जीवन में देखी जाती है, शुभ अशुभ सोचना, बुरा सोचना या किस तरह की प्रतिक्रियाएं जो हमारे सामान्य रूप से होती है वो देखी जाती है इन दोनों लाइंस के इकट्ठा होने पर। ऐसे व्यक्ति जो है वो सामान्य तौर पर सोचने वाले होते हैं और अपने जीवन में मस्तिष्क का जितना प्रयोग करना चाहिए प्रयोग करके और वो सभी चीजें इकट्ठा करते हैं, वो सभी चीजें पाते हैं, उस तरह की बुद्धिमानी उनकी होती है जिस तरीके से कि जीवन में एक अच्छी लाइफ को जी सके। और एक अच्छे व्यक्ति का मस्तिष्क बुद्धि कैसी होनी चाहिए वो सारे गुण ऐसे व्यक्तियों के जीवन में देखे जाते हैं। वहीं हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन लोगों की ये दोनों रेखाएं, आपकी जीवन रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा, ये दोनों रेखाएं जिनके विलग होती हैं, अलग अलग होकर के चलती हैं। तो यूं इसमें सबसे पहला मैं यूं कहूंगा कि इसका कारण ये है, इसका कारण माना जाता है शास्त्रोक्त विधान से, मेरे शोध के अकॉर्डिंग भी और बहुत सारे ज्योतिष के ग्रंथों में मैंने ये बात पढ़ी है, देखी है, समझी है और ज्योतिष के विद्वानों ने भी इस बात का खंडन किया है और इस बात पर टिप्पणी करी है। वो इस प्रकार से जिन व्यक्तियों के जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा थोड़ा अलग होकर के चलती है, दोस्तों इन दोनों रेखाओं का विलग होना, अलग होकर के चलना और जिनके हाथ में दोनों जीवन और मस्तिष्क रेखा अलग अलग होकर के स्टार्ट हो रही हैं, तो दोस्तों इनके लिए ज्योतिष शास्त्र और बड़े विद्वानों का कहना ये है कि
इसका कारण ये माना जाता है कि इन दोनों रेखाओं का अलग होने का कारण एक तो ये बात है कि ऐसे व्यक्ति अडॉप्टेड हो सकते हैं, जैसे कि गोद लिए बच्चे, उनके हाथ में भी कई बच्चों के हाथ में ऐसे रेखाओं को देखा जाता है। अडॉप्टेड यानी दूसरे से पैदा करने वाले कुछ अलग लोग होते हैं और इनको पालने वाले, शिक्षा देने वाले जीवन में कुछ अलग ही लोग होते हैं। कहने का तात्पर्य यूं कह सकते हैं कि ऐसे बच्चों के या ऐसे व्यक्तियों के माँ बाप बचपन में अपने माँ बाप होते हुए किसी और के सहयोग से ऐसे बच्चे पलते हैं और अपने जीवन में डेवलप होते हैं, ऐसा देखा जाता है। और कई बार ऐसे बच्चे अडॉप्टेड होते हैं। अडॉप्टेड का मतलब यहाँ पर है कि अनाथ बच्चे जिनके माँ बापों ने छोड़ दिया है या अनाथ आश्रम में कर दिया है या माँ बाप होते हुए उन्होंने बच्चों को त्याग दिया है, और तब ऐसे बच्चे किसी और के सहयोग से, सपोर्ट से अपने जीवन में ग्रो करते हैं, अपने जिंदगी को जीते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है। और दूसरा कारण है शास्त्रोक्त विधान से भी देखा जाए, जिनके दोनों ये रेखाएं अलग अलग होती हैं, जीवन और मस्तिष्क रेखा, ऐसे लोगों को वर्ण शंकर भी कहा जाता है। वर्ण शंकर का मतलब होता है, इसमें दो तीन चीजें निकल के आती हैं, और वो ये है कि वर्ण शंकर का मतलब होता है जब वर्ण, जैसे कि हमारे हिंदू में सनातन में चार वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, और शास्त्र कहता है कि शादी विवाह जैसे कार्य, ये कार्य जो है अपने वर्ण के साथ ही करने चाहिए, जैसे कि ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य वैश्य, और शूद्र को शूद्र के साथ में ही करने चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय से विवाह करता है या क्षत्रिय किसी शूद्र से और या शूद्र किसी ब्राह्मण या एक दूसरे, यानी कि वर्ण चेंज, अपनी जातियां चेंज करके जो लोग विवाह करते हैं और उनके विवाह वैवाहिक जीवन के बाद में जो संतति उत्पन्न होती है, पुत्र पुत्री उत्पन्न होती है, उन्हें वर्ण शंकर कहा जाता है। तो ऐसे वर्ण शंकर व्यक्तियों के हाथ में कई बार ऐसी ये रेखाएं अलग अलग हो जाती हैं। तीसरा इसमें जो पॉइंट है निकल के आता है और मिलता है, वो है कि जब किसी मातृगर्भ में जब अपने पिता के अलग पिता के अलावा मातृगर्भ में जब पिता के अलावा किसी और के माध्यम से गर्भ में जब कोई शिशु आता है तो उसे भी वर्ण शंकर कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के हाथ में भी ये लाइंस जो है ये दोनों अलग अलग होती हैं, मस्तिष्क रेखा और आपकी जीवन रेखा देखी गई है। देखिए इसमें मेरा भी शोध है और मैंने ये बहुत सारी जगह इन चीजों को देखा भी है, शोध किया है, सर्च किया है, तब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं। और अब इनके गुण आप जान लीजिए, जिन व्यक्तियों की हाथ की मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा विलग विलग होती है, अलग अलग होती है, ऐसे व्यक्ति स्वच्छंद मति के होते हैं। स्वच्छंद का मतलब अपने सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं सभी चीजों से, अपने जीवन में स्वयं का कुछ करना चाहते हैं, स्वयं का जिंदगी में कुछ खड़ा करना चाहते हैं, स्वयं की इज्जत बनाना चाहते हैं। यूं कह सकते हैं कि बाहुभोग धनाढ्य चा, अपने बाहुबल पर, अपने टैलेंट पर, अपने गुणों पर, अपनी कलाकारी पर, अपने स्किल्स के दम पर ऐसे व्यक्ति अपना अलग ही इमेज बनाते हैं, अलग ही मुकाम बनाते हैं और अपने दम पर ही जो कुछ जीवन में करना ऐसे व्यक्ति करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया है कि जब ये दोनों रेखाएं जिन व्यक्तियों की मस्तिष्क और जीवन रेखा अलग अलग होकर के चलती है, तो ऐसे व्यक्ति और लोगों से, जो संसार के सभी हम लोग हैं, उनसे थोड़ा सा अलग इनका दिमाग चलता है, इनकी बुद्धिमत्ता थोड़ी सी अलग होती है। यूं कह सकते हैं कि जो हम सोचते हैं उससे कुछ विलग ही सोचने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं, एक अद्भुत प्रतिभाशाली ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं, होते हैं, देखे जाते हैं। और ऐसे लोगों को फेस करने को मिलता है कि अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति कुछ अलग ही कुछ करके दिखाते हैं, यानी कि कुछ ऐसा ऐश्वर्य और ऐसा फेम अपनी जिंदगी में बना लेते हैं जो कि सबसे हट करके। आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी काम को एक अलग तरीके से करना पसंद करते हैं, यूं कह सकते हैं उनके अंदर एक अद्भुत गुण और सबसे विलग लक्षण, विलग गुण होते हैं, एकदम सबसे हट करके कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जिसके कारण वो थोड़ा सा अलग तरीके से दुनिया में जाने भी जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग होकर के अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी लाइफ में
माता पिता से संबंधित भी कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे प्रेम के बिना, या फिर कई बार सहयोग के बिना, और कई बार ऐसे व्यक्ति माता पिता के द्वारा छोड़ दिए भी जाते हैं। जैसे मैंने अडॉप्ट की बात शुरू में की थी, तो ऐसे व्यक्तियों को कई बार अपने माता पिता छोड़ देते हैं, और इसका कारण गोवर्धन शंकर वाली बात भी हो सकती है। तो इस तरह की बातें यहां पर अलग जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के अलग होने पर दिखाई देती है। वही गुण जिनके मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जुड़ी हुई चलती है, तो वो संसार के सामान्य रूप से ही अपनी बुद्धि को अग्रसर करते हैं। सामान्य रूप से जैसे सबका सबके जीवन में ग्रोथ है, उसी प्रकार से वो सब पाना चाहते हैं, और नॉर्मल तरीके से सोचने वाले, नॉर्मल तरीके से ही आगे बढ़ने वाले, नॉर्मल हिसाब से ही अपने जीवन में ग्रोथ करने वाले होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों की जो बुद्धि है, वो बुद्धि देखिए, बुद्धि अपने जीवन में मस्तिष्क रेखा के छोटे बड़े होने पर, सीधे होने पर, लंबे होने पर, इस बात पर डिपेंड करता है कि बुद्धि क्षमता कितनी अधिक ऐसे व्यक्ति की होती है। लेकिन बुद्धि क्षमता जिनकी दोनों लाइंस अलग अलग है, ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि क्षमता सामान्य लोगों से कुछ ज्यादा बेहतर और अधिक होती है। तो ये चीजें मैंने इसमें पाई। आपको निश्चित रूप से ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारे इस वीडियो को अन्य लोगों को शेयर भी कीजिए। इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा पाने के लिए चैनल को मेरे दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ, लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।